नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुरानी पेंशन योजना सहित अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत मंगलवार 14 मार्च से सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया काम बंद आंदोलन आज तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहा। इस हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारी आज भी अपने अपने कार्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए, जहाँ बैठकर जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने की मांग की। विगत तीन दिनों से चल रही हड़ताल की वजह से अमरावती शहर सहित जिले में सभी सरकारी व प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। वहीं विगत तीन दिनों से चल रही हड़ताल में हिस्सा ले रहे मनपा कर्मचारियों ने आज काम बंद आंदोलन और हड़ताल को खत्म करते हुए अपने अपने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया और मनपा के सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु काले फीते लगाकर अपने अपने काम पर लौट आए। इस बारे में मनपा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रहलाद कोतवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मनपा कर्मचारी फेडरेशन की राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई है और उन्होंने फेडरेशन को पुरानी पेंशन योजना के बारे में ठोस कदम उठाने का आश्वासन भी दिया है, जिसकी वजह से मनपा कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन को खत्म करते हुए अपने अपने काम पर लौट आने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री आश्वासन दिया का बाद तुम्हारे ज्या महानगरपालिका नगरपालिका प्रॉब्लम मांगने हजार मैं सकारात्मक निर्णय देते जी पूरे जे निमान है तो कर्मचारियों सहयोग दी और आम्मी तीजी कारवाई करूँ, सकल कारवाई करूँ आ तुम्हें आम फेडरेशन ने हा निर्णय आम्ही तो ठीक है तो प्रश्न महानगरपालिका आम्मी करूँ पन हाँ जी एक मिशन जे है पेन्शन चालू रहो योजना चालू पाजेल त्याच्यासाठी आम्ही काम बंद म्हणजे बा काम बंद न करता काम काळी फिती लावून काम आंदोलन सुरू करणार आहे असं त्या शासनाने कळवलेलं आहे। विगत तीन दिनों से चल रही इस हड़ताल को कुछ शिक्षक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, वहीं कुछ शिक्षक संगठनों ने अपने आप को इस हड़ताल से अलिप्त रखा है। ऐसे में कई शिक्षक नियमित तरीके से अपने काम पर उपस्थित हो रहे हैं। इस बात के मद्देनजर राज्य के शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि काम पर उपस्थित होने वाले शिक्षकों के जरिए पढ़ाई लिखाई सहित सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का नियोजन किया जाए। इस बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर विगत तीन दिनों से हड़ताल कर रहे सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की समन्वय समिति ने कल 17 मार्च को सुबह 11 बजे नेहरू मैदान से जिलाधीश कार्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाए जाने की घोषणा की है। जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचने के बाद वहां पर विशालकाय सभा ली जाएगी। इस मोर्चे व सभा में अलग अलग 37 संगठनों के 50,000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा, ऐसी जानकारी समन्वय समिति द्वारा दी गई। वहीं आज जिला परिषद कार्यालय के सामने हड़ताली कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर नई पेंशन योजना लागू करने के बारे में जारी किए गए सरकारी जीआर की होली जलाई गई। वहीं आज अमरावती शहर से जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में भी सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर हड़ताल जारी रखी गई। हड़ताल के तीसरे दिन आज दरियापुर में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा विशालकाय मोर्चा निकाला गया। विगत तीन दिनों से पुरानी पेंशन योजना को लेकर चल रही हड़ताल के मद्देनजर आज सूचना अधिकार प्रचार संघ के संस्थापक अध्यक्ष नकुल सुनटक के द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में इस हड़ताल का विरोध करते हुए कहा गया कि इस हड़ताल की वजह से पूरे राज्य की जनता को नाहक ही कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी व प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपनी जिद पर अड़े रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य विधान परिषद में आज फसल बीमा के मुद्दे पर अमरावती के भाजपा नेता व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल तथा राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक पोटे पाटिल ने कृषि मंत्री सत्तार को बीमा कंपनी का प्रतिनिधि जैसा बता दिया, जिससे क्रुद्ध होकर कृषि मंत्री सत्तार ने भी उन पर पलटवार किया। किसानों के मुद्दे पर प्रवीण पोटे पाटिल थोड़े आक्रामक हो गए थे और उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री पर तोहमत लगाते हुए कहा कि चूंकि वे खुद एक किसान है, इस नाते कृषि मंत्री से कुछ मुद्दों को लेकर खुलासा जानना चाह रहे हैं। अमरावती की विधायक सुलभा खुड़के ने अमरावती संभाग के केसरी राशन कार्ड किसानों को राशन की जगह 150 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति देने के मसले पर इसे बढ़ाकर 500 रुपये से 1,000 रुपये करने की मांग की। इसके साथ ही पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने गतरूर जिले में प्रशासकीय मान्यता रहने वाले 27 सिंचाई प्रकल्पों को निधि देने, नानगांव पेठ में औद्योगिक विकास को गतिमान करने तथा किसानों को तत्काल विद्युत कनेक्शन देने के साथ ही जलापूर्ति योजना के कामों को बिना विलम्ब पूरा करने की मांग उठाई। साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने राज्य सरकार से समान नीति पर अमल करने की बात कहते हुए कहा कि 80% विधायकों व सांसदों को पेंशन की जरूरत नहीं है, अतः वे विधायकों व सांसदों को सरकारी पेंशन नहीं देने के संदर्भ में सरकार को पत्र लिखेंगे।
दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े ने आज बजट सत्र दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखते हुए राज्य में ओबीसी एससी एसटी बीजेएनटी एसबीसी व ईबीसी प्रवर्ग के पिछड़ा वर्ग की पदोन्नति कई वर्षों से प्रलंबित रहने का मुद्दा उपस्थित किया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अन्याय दूर करते हुए पदोन्नति का लाभ देने की मांग रखी। सरकारी योजनाओं के साथ अटल भूजल योजनाओं को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए और इस योजना के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, इस आशय के निर्देश जारी करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि इससे आने वाले समय में क्षेत्र की सिंचाई समस्या दूर होगी। कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस के कारण सरकारी मशीनरी एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद महानगरपालिका भी सतर्क हो गई है और नागरिकों को भी कोविड की त्रिसूत्री के नियमों का पालन करते हुए आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पता चला है कि कोविड की आशंका के कारण टेस्टिंग करने पर विगत सप्ताह शहर में एक व्यक्ति को स्वाइन फ्लू होने का खुलासा हुआ है। महानगरपालिका द्वारा चलाई जा रही जोन निहाय ठेका की निविदा प्रक्रिया करारनामा भंग करने वाली है। इस आशय का आरोप लगाते हुए एक स्वच्छता ठेकेदार ने उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए थे, जिसकी सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इस बारे में अमरावती महानगरपालिका को नोटिस दिया है, जिस पर महानगरपालिका को 2 सप्ताह के भीतर अपना से दायर करना पड़ेगा। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आर्थिक वर्ष 2023-2024 के लिए गतरोज सीनेट सभा में बजट प्रस्तुत किया गया और 80 करोड़ रुपए के घाटे वाले बजट को सीनेट सभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। अमरावती जिले में बुधवार की दोपहर और शाम को कई इलाकों में बारिश हुई और गुरुवार तड़के 4 बजे से जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ ही बारिश होने से किसानों का भारी नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। जिले में बुधवार से हो रही बारिश और आगामी 18 मार्च तक संपूर्ण जिले में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना को देखते हुए अमरावती फसल मंडी प्रशासन ने सभी अड़त व्यवसायियों को सूचित किया है कि वे वातावरण देखकर किसानों को मंडी में बिक्री हेतु अनाज लाने के लिए गए। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस समय पूरे शहर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीती शाम पठानपुरा परिसर व पठान चौक क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस समय पूर्व जिला पालक मंत्री सुनील देशमुख तथा कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि आगामी 7 अप्रैल से बडनेरा रोड स्थित सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज में अभियांत्रिकी क्षेत्र के विद्यार्थी हेतु राज्य स्तरीय डीपेक्स स्पर्धा व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों होगा। राजपूत करणी सेना ने आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए मनपा परिसर में शहर के प्रथम महापौर रह चुके डॉक्टर देवी सिंह शेखावत की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। स्वर्गीय देवी सिंह जी शेखावत, जो कि इस महानगरपालिका के प्रथम महापौर रह चुके हैं, उनके पुतले के लिए आयुक्त साहब से निवेदन देने के लिए आए हैं कि उनका महानगर पालिका परिसर में प्रथम महापौर है इस नाते से और शैक्षणिक क्षेत्र में, उसके बाद में राजकीय राजकीय क्षेत्र में जो उनकी एक प्रतिभा थी उसको देखते हुए पुतले का यहाँ पर पुतला स्थापन किया जाए, उसका निवेदन देने के लिए हम आयुक्त साहब को निवेदन देने का आए। शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख व पूर्व पार्षद प्रदीप बाजण ने मनपा के शहर अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए दलित बस्ती सुधार योजना अंतर्गत किए जाने वाले कामों की निविदा प्रक्रिया को गलत बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग उठाई। पूर्व पार्षद बाजण के मुताबिक यह ई निविदा प्रक्रिया बेहद गलत पद्धति से और अनावश्यक शर्त लगाकर चलाई जा रही है। परतवाड़ा शहर में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में प्रशासन मुंह देखकर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अतिक्रमण को हटाने की बजाय अतिक्रमण धारकों को पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, पश्चात यह कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा की गई है। अमरावती मनपा के आगामी बजट में अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र यानी मुस्लिम बहुल इलाकों की विभिन्न समस्याओं व मूलभूत सुविधाओं के निवारण हेतु बजट में निधि का समुचित प्रावधान किया जाए, इस आशय की मांग क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता असलम भारती ने मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उठाई। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेकी के नेतृत्व में जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई कि विधायकों व सांसदों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि विधायकों व सांसदों को पेंशन की कोई जरूरत नहीं होती। महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान, गौरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट व कुछ अन्य हिंदू संगठनों द्वारा आज पुलिस आयुक्त व जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए गौवंश सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की गई। महाराष्ट्र यातायात सेना महासंघ द्वारा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए भातकुली रोड वेंकटेश टाउनशिप रोड की मरम्मत किए जाने की मांग उठाते हुए कहा गया कि इस क्षेत्र में रास्ते ठीक नहीं होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अंगदान व नेत्रदान के क्षेत्र में समर्पित सामाजिक संस्था हरिना फाउंडेशन की हाल ही में संपन्न सभा में संस्थाध्यक्ष मनोज राठी द्वारा संस्था के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ सदस्य चंद्रकांत पोपट को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही अशोक राठी के आकस्मिक निधन की वजह से रिक्त हुए सह सचिव पद पर संजय भुतला का चयन किया गया।
श्री क्षेत्र तपुनेश्वर संस्थान में योगीराज सदगुरु सीताराम गिरी महाराज का 37वां पुण्यतिथि महोत्सव शुरू है, जहां पर आशीष महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जा रही है। आगामी 23 मार्च को पड़ रहे झूलेलाल जयंती के पर्व को बड़े भव्य दिव्य एवं शानदार तरीके से मनाने हेतु साई झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पहली बार शहर की सभी पूज्य सिंधी पंचायतों को एक मंच पर लाने का काम किया गया और 14 मार्च की शाम कृष्णानगर परिसर स्थित बाजार धर्मशाला में सभी पूज्य पंचायतों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पूर्व नियोजन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार सभी पंचायतों द्वारा झूलेलाल जयंती का उत्सव एक साथ मिलकर मनाने का निर्णय लेने के साथ ही आयोजन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। बिना टिकट रेल यात्रा करते हुए रेलवे का राजस्व डुबोने वाले मुफ्तखोर यात्रियों की नकेल कसने हेतु मध्य रेलवे के भूसावल विभाग ने गत रोज बनेरा रेलवे स्टेशन सहित 7 बड़े रेलवे स्टेशनों तथा अप और डाउन मार्ग पर चलने वाली 70 रेलगाड़ियों में जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक ही दिन के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले 3,022 यात्री पकड़े गए, जिनसे 17,30,000 रुपये का दंड वसूल किया गया। हर दिन हजारों रुपए का टोल बचाने के लिए जिले के अधिकांश व्यावसायिक वाहन संचालकों ने अपने वाहनों को नांगोपेट के नागरिकों के नाम पर रजिस्टर्ड कराए जाने की बात उजागर हुई है। करीब 200 से अधिक वाहन 10 साल में हर दिन हजारों रुपए का टोल टैक्स चुकाते रहने से इसके पीछे एक रैकेट सक्रिय रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इस बाबत नांगोपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जाँच की जा रही है। जारी माह में मनाए जाने वाले गुड़ी पड़वा, रमजान व रामनवमी जैसे त्योहारों को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर में हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर एक समीक्षा बैठक ली और त्योहार को शांतिपूर्ण मनाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उमेश कुल्ले हत्याकांड के आरोपी यूनिस खान की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। वहीं एनआईए ने इस जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उमेश कुल्ले की हत्या के लिए यूसुफ खान ने ही अन्य आरोपियों को उकसाया था। इस जमानत याचिका पर आगामी 24 मार्च को सुनवाई होने वाली है। एक महिला से फिरौती मांगी, उसके बाद महिला के पति को वाहन से टक्कर मारकर उसकी मोटरसाइकिल छीनकर आरोपी भाग गया। यह सारा घटनाक्रम 9 से 14 मार्च के बीच घटित हुआ। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने समाधान नगर निवासी 36 वर्षीय आरोपी निखिल वाडीवी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। पुसला निवासी पुंडलिक रोड ढाके के घर में देर रात 1:30 बजे के आसपास अचानक आग लगी। इस आग में घर की सारी सामग्री जलकर खाक हो गई। वहीं पुंडलिक राव का बेटा आग में झुलस गया। मेलघाट के अति सुरक्षित जंगल व संग्रामपुर तहसील की सरहद से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे खापरखेड़ा गांव के एक मकान में पुलिस और वन विभाग के दल ने संयुक्त रूप से छापा मारकर 7 आरोपियों को राष्ट्रीय पक्षी मोर व खरगोश के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 बंदूक, कारतूस, एयरगन व अन्य हथियार सहित खरगोश का मटन व मोर के अवयव भी बरामद किए गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में चोरी के मामले में नामजद रहने वाली 20 वर्षीय युवती को इसी थाने के पुलिस कांस्टेबल नीलेश जगताप ने आई लव यू का मैसेज किया और वीएमवी परिसर के आगे खेत में बुलाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस थाने ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के पुलिसकर्मी नीलेश जगताप के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी कर नीलेश जगताप को पद से निलंबित कर दिया है। नीलेश जगताप फिलहाल फरार है, जिसकी गाड़गनगर पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के आदर्श नगर, मारुति नगर व एमआईडीसी परिसर में एक ही दिन 2 पुरुषों व एक महिला ने अलग अलग स्थानों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा तीनों मामलों की जांच की जा रही है। कठोरा रोड पर गजानन टाउनशिप में रहने वाले रविंद्र भेंडे को अज्ञात मोबाइल धारक व्यक्ति ने फोन कर अपने आप को श्रीराम फाइनेंस बेंगलोर से होने की बात कहते हुए 7 लाख रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 4,30,000 रुपए से ऑनलाइन ठग लिया, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के डफरीन अस्पताल के पास स्थित महावितरण के कार्यालय में विगत 6 माह से अज्ञात चोरों ने करीब 2 लाख रुपए मूल्य के विद्युत सामग्री को चुरा लिया। कार्यालय के मुख्य तंत्र के दिलीप सोलंकी की शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंजनगांव बारी में रहने वाले एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी का दूसरी जगह पर विवाह जुड़ जाने की बात पता चलते ही इस व्यक्ति ने उस महिला के भाई के नाम पर नकली फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके अश्लील वीडियो को वायरल किया, साथ ही दूसरा विवाह नहीं होने देने की धमकी दी। अकोला अंजनगांव मार्ग पर वाई फाटे के निकट आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। आष्टी तहसील अंतर्गत जामगांव में बाघ ने तबेरे में घुसकर वहां बंधे बछड़े को मार खाया, जिससे गांव में दहशत मची हुई है। ऐसे में जामगांव के निवासी पूरी रात जागकर बिता रहे हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।